हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। एंड जो भी आपने टेस्ट दिया था स्टूडेंट्स, वो आपका अच्छा हुआ होगा। मैं आपको रिजल्ट भी शो करूँगा आपका, जो भी आपने पेपर अटैम्प्ट किया था। तो स्टूडेंट, आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम वे, उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। योर फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वर्क्स ऑन, कंप्यूटर किस पर वर्क करता है? कमांड्स पर या फिर फूड पर? तो स्टूडेंट, कंप्यूटर हमारा वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ कमांड। कमांड पे क्लिक करने के बाद हम क्या कर देंगे, अपने रिजल्ट को सबमिट कर देंगे। आर आंसर इज करेक्ट। नाउ अगेन वी कंटिन्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अ यूजफुल मशीन, कंप्यूटर और चेयर। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर और चेयर दोनों ही यूजफुल हैं, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन। तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, बट चेयर क्या है, हमारे लिए यूजफुल थिंग है। तो कंप्यूटर इज द राइट आंसर। नाउ अगेन कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई नेवर फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मी। तो कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम अपनी डेटा को स्टोर करते हैं, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसे स्टोर करते हैं, बट जो आयरन है, जो प्रेस हम यूज़ करते हैं, उसका हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर इज़ अ करेक्ट आंसर। नाउ कंप्यूटर नेवर गेट, कंप्यूटर नेवर गेट, कंप्यूटर को कभी नहीं फील होता है या कुछ भी किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेसेसरी नहीं है। तो कंप्यूटर को टायर्डनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती या टायर्ड नहीं फील करता है। इलेक्ट्रिसिटी को तो उससे नीड चल ज़रूरत होती है, नीड होती है, क्योंकि वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क नहीं कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर यूजुअली डू नॉट मेक एनी, तो राइट आंसर इज़ मिस्टेक। मीन्स क्या है, कंप्यूटर यूजली मिस्टेक्स नहीं करता है, मीन्स कंप्यूटर मिस्टेक करता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक इज़ अ राइट आंसर। कंप्यूटर इज एन फ्रेंड, कंप्यूटर इज एन फ्रेंड, विच टाइप ऑफ फ्रेंड? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड। कंप्यूटर कैसा फ्रेंड है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर इज़ यूज्ड टू, स्पीकर्स का यूज़ किस लिए करते हैं? स्पीकर्स का बेसिकली हम साउंड को सुनने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्पीकर हियर साउंड, नॉट फॉर कुकिंग फूड और कुक फूड। आई एम अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, आई हैव मैनी कीज, हु एम आई? मिस, मैं कंप्यूटर का पार्ट हूँ और मेरे पास बहुत सारी कीज़ हैं, मैं कौन हूँ? देन मॉनिटर में तो कीज़ काउंट नहीं की हैं, कितनी होती हैं मॉनिटर में भी स्मॉल कीज़ होती हैं, बट बेसिकली हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कीबोर्ड। कीबोर्ड में स्मॉल कीज़ होती हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारा, कीबोर्ड है। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड और इलेक्ट्रिसिटी। टायर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ कंप्यूटर वर्क वेरी स्लो और फास्ट। कंप्यूटर कैसे काम करता है, स्लोली वर्क करता है या फिर फास्टली वर्क करता है? देन कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक विशेषता है कि कंप्यूटर क्या करता है, फास्ट वर्क करता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आई यूज टू प्रिंट ऑन पेपर, हु एम आई?
मीन्स कंप्यूटर में, कंप्यूटर का ऐसा बेसिक पार्ट कौन सा है जो बेसिकली हम प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं? तो हमारा मॉनिटर क्या होता है, रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड प्रिंटर का यूज़ क्या होता है, हमारा वर्क जो हम पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंटेड कॉपी को हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। सो प्रिंटेड कॉपी इज़ नोन एज हार्ड कॉपी, एंड देन वी सबमिट आवर रिजल्ट। Now our test is completed, then we click on finish. It means I am taking 5 minutes 16 seconds and my score is 11 out of 11. That type of result are shown when you submit your result. जब भी आप क्या करते हैं अपना work, जो भी आप test देते हैं, test देने के बाद submit करेंगे तो आपको क्या करेगा, इस तरीके से रिजल्ट शो करेगा आपका। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से भी गेस कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ओके, टाइम ड्यूरेशन उसी के बेसिस पे रहेगा। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दैट टाइप ऑफ, यू कैन गिव योर रिजल्ट्स। इस तरीके से सारे आपके जो भी स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी, आप यहाँ से अपने सारे आंसर्स देख सकते हैं। इफ देर इज़ एनी रॉन्ग आंसर देन यू ऑल्सो वॉच फ्रॉम देयर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके कौन से आंसर्स रॉन्ग हुए हैं। देन आपको क्या करना है, सिंपली अपने मार्क्स चेक कर, करने के बाद आप विंडो क्लोज कर देंगे। थैंक यू, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ टेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।